प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाजी अलाई खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी हाल ही में दो दिन पहले रवीना टंडन पे जो जिहादियों की भीड़ ने हमला किया उस पर। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। पर नाजी जी, मेरे को यहाँ पे समझाइए कि ये जो लोग थे रवीना टंडन के मामले में, क्या आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये सब वहां पहुंचे हुए थे और इनके इरादे बहुत खतरनाक थे? इनके इरादे रवीना टंडन के मर्डर के थे और ये पूरी सोची समझी साजिश थी। अब आप मुझे बताइए, हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, आप जिस अपार्टमेंट में रहती हैं, हमारे वहां पर उस अपार्टमेंट के अंदर वही लोग आ सकते हैं, या तो उनका घर हो या तो वो उसके गेस्ट हो। पर अगर वो किसी चालाकी से बुद्धिमानी से अंदर एंटर कर रहे हैं, तो मतलब किसी स्ट्रैटेजी से एंटर कर रहे हैं, कुछ क्राइम को अंजाम देने के लिए एंटर कर रहे हैं, अदरवाइज तो एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग वहां पर कर क्या रही थी? और अगर वो लोग वहां पर पूरी फैमिली के साथ थी, तो पूरी फैमिली एक साथ होनी चाहिए थी। पहले 5 महिलाएं हिजाब में, उसके बाद फिर उनमें गाड़ी सटी भी नहीं, पर झूठ बोलना, फिर गाड़ी के पास जाकर के चिपकने की कोशिश करना। गाड़ी 10 के स्पीड में थी, गाड़ी बहुत अच्छे से आराम से 10 की स्पीड में पार्किंग हो जाती है, और उसके बाद जाकर के इंटेंशनली ड्राइवर को पीटने की कोशिश की जाती है। उनको पता था कि रवीना टंडन बाहर निकलेंगी, और बाहर निकलेंगी तो हम इसको मोलेस्ट भी करेंगे, इसका मर्डर भी करेंगे, और इसको बताएंगे कि हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा पालन करने का नतीजा क्या होता है। और मैं आपको तीसरी बात बताना चाहूंगी, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जो मोहसिन जो झूठ बोल रहा था, और ये सब की सब जो है, ये सब कहां है? मैं कार्रवाई पे जरूर आऊंगी। मैं इससे पहले अंजू जी आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार थर्ड टर्म में शपथ लेने के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इस्लामिक मुसलमानों का अग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि इस बार तो सिर्फ हाँ और ना में काम होगा, सारी प्रक्रियाएं तो पूरी हो चुकी, 370 का काम हो गया, CAA का काम हो गया, सब कुछ तो हो गया, अब सवाल और जवाब होगा, अब संविधान या इस्लाम को बखूबी पूछा जाएगा। इसलिए ये अग्रेशन मुसलमान गाहे बगाए दिखा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदू को, माता बहनों को सतर्क कर रही हूं कि इन जिहादियों से, इन आतंकियों से और इन हिजाबन के भीड़ में अभी मत जाना, बिल्कुल मत जाना, ये तुमको लपेटेंगी, अपना अग्रेशन निकालेंगी, क्योंकि इनका कनेक्शन डायरेक्ट अलकायदा और आतंकियों से होता है, जैसे मुस्कान का था। अब आती है बात कि स्टेटमेंट रवीना टंडन ने दे दिया है, इवन मैंने खुद बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को एक मेल किया है कि जो व्यक्ति मोहसिन ये कह रहा है कि वो रिश्ता लगाने गया था, उस घर को वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाए, उस घर के लोगों को बुलाया जाए कि वाकई में ये लोग रिश्ता लगाने के लिए आया था। दूसरी चीज है कि वो सारी हिजाबन जहादन को, उनको डिटेन करके थाना में लाया जाए, और महिला पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ करे और उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाए। अब तक तो वो लोग देख चुकी होंगी सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि सारे न्यूज चैनल पर चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज पे चल रहा है। तो दिखाया जाए कि भैया तू, तेरे ऊपर जब गाड़ी चढ़ ही गई थी तो तू जिंदा बची कैसे? तुझे जब रवीना टंडन ने अकेले, वैसे भी फिल्म एक्ट्रेस जो होती हैं या जो बहुत फिटनेस फ्रीक वाली होती हैं, उनमें इतनी जान नहीं होती है कि वो किसी को पकड़ के पीट दे। आधा टाइम तो वो लोग इंटरमिटेंट फास्ट में होती हैं, वो क्या ही पीटेंगी? डक्कर खा करके, चर्बी खा करके तो ये हिजाबन होती हैं, ये भले ही पीट सकती हैं किसी को। तो जो पिटाई हुई है उसके ब्रूजेस कहां पर है, उसके चोट कहां पर है, और जिस पर गाड़ी चढ़ी है उसकी इंजुरी कहां पर? बिल्कुल, वो तो नाक भी दिखा रही थी कि मेरे नाक में ब्लीडिंग हो रही है, हो कुछ नहीं रहा था, वो वीडियो मैंने भी देखा। कितना बड़ा याद होगा अंजू जी, जो भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो नया नगर मीरा रोड में जो एक मासूम फैमिली, हिंदू फैमिली, भगवान राम के ऊर्जा में बहुत
मैं हो करके निकल गए थे भगवा झंडा लेकर के, और उसके बाद मुसलमानों ने कितना बड़ा आतंक फैलाया था। उसके बाद एक मुसलमान जो है वो वीडियो बनाया था कि हम मुसलमान सोए हुए शेर हैं, हमको मत जगाओ। तो इस टाइप के बॉम्बे में, जोगेश्वरी में, मीरा रोड में, घाटकोपर में, डोंगरी में, मोहम्मद अली रोड में, इस टाइप के मुसलमान बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जिस तरह से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ने किया था, उसी तरीके से अब इस बार भी कार्रवाई करनी चाहिए और सारे पंथियों को खोलना चाहिए। अब मेरा पांचवा सवाल उठता है कि वो सारी फिल्म एक्ट्रेस जो हैशटैग ऑल आई ऑन राफा पे कर रही थी, वो हैशटैग आई स्टैंड विथ रवीना टंडन क्यों नहीं कर रही है? कहाँ है, क्यों नहीं लिख रही है? एजेंडा धारी है वो, सबके सब प्रोपेगेंडा चलाती है। मुझे तो आज भी आश्चर्य होता है अंजू जी कि वो नुसरत बरूचा, जिसको इजराइल के पुलिस ने बचाया, जिसको इजराइल के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बचाया, जिसको इजराइल सरकार ने बचा करके भेजा हमारे भारत में पूरी सेफ्टी के साथ, और उसके बाद उसने वीडियो भी बनाया कि मैं इजराइल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा के साथ भारत भेज दिया, उसने लिख दिया ऑल आई ऑन राफा। ओ माय गॉड, मतलब कितने दोहरे शक्ल के हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, पर मुझे ये समझाइए कि अब जैसे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एग्रेशन तो बहुत नजर आएगा, कुछ ही देर में नतीजे सामने होंगे, और वैसे भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में तैनात की गई थी उनको तो वापस नहीं बुलाया गया क्योंकि बंगाल में हालात बिगड़ने का पूरा अंदेशा है। तो क्या खबर आ रही है इस वक्त आपके पास? मैं 31 तारीख और 1 तारीख तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई हूँ क्योंकि संदेश खाली से कंटिन्यूसली मेरे पास कॉल आ रहा था, क्यों आ रहा था? क्योंकि बाइक से पूरा का पूरा एक मास संदेश खाली की महिलाओं को डराने और उनको धमकाने के लिए पहुंचा हुआ था। यहाँ तक कि वो बाइक का जो मॉब था वो पैसा दे करके पहले उन महिलाओं को खरीदने के लिए और वो टीएमसी को करवाने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि वो हो नहीं पाया, तो मतलब जिस हिसाब से मारपीट हुई है, जिस हिसाब से पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है, पुलिस ने अपना चरित्र सिर्फ और सिर्फ ममता बैनर्जी के दल्ले के हिसाब से दिखाया है। इसके अलावा पुलिस मुझे विथ यूनिफॉर्म तो नहीं दिख रहा था, मुझे विथ यूनिफॉर्म पपेट ऑफ टीएमसी जरूर दिख रहा था। उसके बाद नदिया में एक मर्डर हो चुका है, जयनगर में बहुत झमेला हुआ है, उसके बाद मेरी स्टाफ ही बता रही थी कि श्याम बाजार में बहुत झमेला हुआ है, मेरी एक और मुस्लिम स्टाफ है उसने बताया कि कोलकाता नॉर्थ के जहां पर से तापस राय खड़ा है वहां पर 39 वार्ड में जसीमुद्दीन है, वो हर बात पर और हर इलेक्शन में बम गोली बारूद निकाल लेता है। ये मैं, मुझे नहीं पता है, ये मेरी मुस्लिम स्टाफ तमन्ना है, उसने बताया है कि टीएमसी का काउंसलर है जो रेप के केसेस में फंसा हुआ है, वो हर एक इलेक्शन में, चाहे कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो चाहे कोई भी इलेक्शन हो, वो बम गोली बारूद निकाल लेता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं टीएमसी के द्वारा हुई हैं, बूथ कैप्चर करने का, बोगस वोट करवाने का, पोलिंग बूथ का दरवाजा बंद करके वहां पर वोट को घपला करवाने का, ये सारी प्रक्रिया चलती रही है। और अभी भी माहौल जो है वो नदिया का और संदेश खाली का बहुत नाजुक है, इवन मैं कहूंगी कि मालदा की तरफ और मुर्शिदाबाद की तरफ और बारासात की तरफ भी थोड़ा सा नाजुक माहौल है, जिसकी वजह से सेंट्रल फोर्सेस जो है वो बंगाल से नहीं हटाए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन भी, आज पूरा 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख तक, और जब तक मोदी जी का शपथ नहीं हो जाता है तब तक जो सुरक्षा दल है उनको पश्चिम बंगाल से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जिट पोल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत भारी बहुमत में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे आतंकी और इस्लामिक मुसलमानों का चरित्र सामने गाहे बगाहे नजर आ रहा है। अब चाहे वो रवीना टंडन के इंसिडेंट से नजर आया है, चाहे संदेश खाली के इंसिडेंट से नजर आया है, या ट्विटर एक्स पर जिस हिसाब से मुझे गालियों की बारिश हो रही है उस हिसाब से नजर आया है। आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ अंजू जी, कि आज अगर मैं पब्लिक गैदरिंग में किसी मॉल में भी चले जाऊं, अभी इस वक्त 4 तारीख है, अगर मैं निकल जाती हूँ तो मैं कह रही हूँ कि रवीना टंडन से बुरा हाल मेरा हो जाएगा।
बिल्कुल हालात खराब है, शायद इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने ये फैसला लिया है कि सुरक्षा बल जो है वो अभी और करीब करीब 2 हफ्ते वहां पर तैनात रहेंगे। लेकिन ये वाकई बहुत शर्मनाक बात है कि रवीना टंडन के साथ इस तरह की घटना मुंबई में हुई और पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो खामोश बैठा हुआ है, कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस अपना एक्शन कर रही है। आपने इस मामले पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए सुबह सुबह समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ही देर में नतीजे पता चल जाएंगे कि तीसरी बार पीएम मोदी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने समय निकाला बातचीत की, धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजी लाई खान जी ने ना सिर्फ जिहादियों को बल्कि हिजाब के पीछे जो जिहादने हैं उनको भी एक्सपोज किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब भारत देश में जो चुनाव हुए उसके नतीजे आ चुके हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।